Hi everyone, this is Ulka and you're watching IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Ulka with us. So firstly, Ulka, big congratulations. Thank you so much. Ulka, to play a mother in a such a young age, what do you want to say? Like, is it like ki have a thought for a second also ki kyu kar rahi hu main, why I'm playing a mother character? और व्हाई शुड आई डू फॉर मदर कैरेक्टर? नो नो, आई थिंक आई हैव बीन, देखो यही क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट आई वुड वंस अगेन लाइक टू से आई एम एन एक्टर एंड जानवी इज अ कैरेक्टर एंड आई रियली लाइक एंड लाइक एनी अदर कैरेक्टर दिस इज अ कैरेक्टर एंड शी इज अ मदर. सो औरत सब कुछ हो सकती है ना उल्का. बट कल जो हम जो इंडस्ट्री देख रहे हैं, जब एक बार मदर का कैरेक्टर निभा लेते हैं, उससे बैक टू बैक सेम ऑफर्स होते हैं, सेम लाइक सेम जॉनरा और वी कैन से सेम मदर कैरेक्टर का ऑफर्स आने लगता है. सो वो फिर चैलेंजिंग हो जाता है आगे के लिए भी एज एन एक्टर, और यू फील इट्स अ चेंजिंग प्रोसेस नाउ? नहीं, आई थिंक ऐसा अगर होता है तो दैट इज़ वेरी सैड. अगर ऐसा स्टीरियोटाइप होता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट मीडियम यू आर और किस तरह के मेकर्स हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता. इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रूव दैट कि यू आर वर्दी ऑफ एवरी अदर रोल दैट यू आर. मतलब मैं इनफैक्ट शॉक थी जब मुझे रोल के लिए अप्रूव भी किया गया था आफ्टर एन ऑडिशन. मतलब क्या मुझे मेरे अंदर ऐसा क्या दिख गया कि उनको ऐसा लगता है कि मैं इसके लायक भी बन पाऊंगी, इतना ठहराव जो है इसमें. बट सो एज एन एक्टर आई प्रूव दैट आई कुड प्ले दैट. ट्रू ट्रू. हैज यू सेड कि आपको भी ऐसा लगा कि मैं कैसे सिलेक्ट हुई? बट व्हेन आई सॉ यू ऑन द फर्स्ट प्रोमो, इट वाज लाइक यार ये तो माँ नहीं लग रही, तो बहन है या फिर तो मासी मासी या कुछ तो है, या ऐसे कुछ ट्विस्ट होने वाला है. विल बी दैट समथिंग आवर बिगेस्ट ट्विस्ट इन दिस शो? आई थिंक फॉर दैट यू विल हैव टू सी द शो. बट इफ इट विल बी अ ट्विस्ट, या तो क्या कहना चाहेंगे? See, it's television and yeah. We women love drama. So dramas to aayenge most definitely along the lines of this kahani jahan Janvi ne Kian ko apni puri zindagi banayi hui hai aur Kian chahta hai ki meri mummy ke life mein Janvi ke life mein koi aaye use pyar karne wala. Use pita nahi chahiye, fir use chahiye ki meri Janvi ko koi pyar karo. So it's such a cute love story. मतलब तीनों एंगल से कितना प्यारा स्टोरी है. Yes. मैंने करण से भी पूछा कि नो आजकल का Gen Z जो लव टर्म है वो काफी अलग हो गए. नो वेन पीपल आर लव टू डू अ ओपन रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप एंड बट दिस टाइम यू आर शोइंग समथिंग डिफरेंट वेयर वी विल सी अ स्मॉल बॉन्ड बिटवीन अ ट्रायो. Yeah. So to show this on a television, is it a challenging from your side also? No, एक audience appearance भी होता है, एक audience को एक्सेप्टेंस भी जरूरी होता है. हम तो आशा करते हैं. आई मीन सो फार ऑडियंस से अच्छा ही फीडबैक मिला है एंड फॉर ऑल द मेकर्स सबने अच्छा ही कुछ हमें कमेंट किया है. तो सारा क्रेडिट जो ये हिम्मत की जाती है सोनाली मैम प्रोडक्शन हाउस और जी टीवी को. हम तो एक्टर्स हैं और मुझे ऐसा लगता है मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं जानवी को अच्छे से अपने अंदर ला सकूँ. एज एन एक्टर मुझे कुछ चैलेंजिंग जिसने कुछ मुझे और स्वरूप लेना पड़े वो जानवी था एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है. पर ऑडियंस के सामने भी ये रखना, आई होप ऑडियंस प्यार करें, बट आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा बिकॉज इफ यू लाइक इमोशनल बीइंग इमोशनल या इमोशंस यू विल डेफिनेटली लाइक दिस शो. एनी थॉट फॉर OTT आल्सो? नो आई एम श्योर आपको OTT के कई ऑफर्स आते होंगे. नो यू आर डूइंग आल्सो. आई हैव नेवर डिस्क्रिमिनेटेड एनी प्लेटफॉर्म एंड आई बिलीव आई एम एन एक्टर. मैंने फिल्म में भी काम किया है, TV में भी, OTT में भी, और मैं हर जगह करती रहूँगी. बट अभी मेरी प्रायोरिटी और इस वक्त मैं ZTV की एक जानवी हूँ जी. सो ये मेरा फोकस है. नो आफ्टर डूइंग अ मूवी और OTT एक्टर्स डोंट प्रीफर टू कम बैक ऑन अ TV. So, but you have done this. So, what do you want to say on this? Because you have seen also. Many of your friends have also done this. Yeah, I'm very driven with when it comes to a character. Yeah. I didn't like any other character at the given moment. I liked Janvi very much. And it worked out well. Yeah. What is the biggest change you have noticed from your starting of the career till now? No, post-COVID also. In what? In a working profile also. Has a industry change also and a technical also. I'm very proud that our industry had survived the COVID outbreak aur uske bawajood matlab itna affect hua tha hamara TV industry, entertainment industry, but we've come back and we're doing well aur audiences ko abhi bhi TV uska entertainment pasand hai. So we're always there
कितना मस्ती मजाक हो रही है अभी अभी तक पिछले कुछ दिन काम किए ये 20-25 दिन हुए हैं कियान बहुत मस्ती खो रहे हैं स्टिल मतलब हम आपको ऑन स्क्रीन दिखेगा कि हम दोनों कितने प्यार में हैं लेकिन एक दूसरे से हमारी टशन चलती है एक्चुअली ऑफ साइड करण इज स्वीट उसके और मेरे सीन्स अभी हार्डली कहीं आए सो फार वी हैव ग्रेट डिस्कशंस ही इज वेरी कूल एंड हार्ड वर्किंग वेरी चिल ओके उल्का मैंने एक चीज नोटिस किया आप जिधर भी जाते हो जो भी शो में जाते हो आप भागना नहीं छोड़ते हो इवन नाउ आल्सो यू आर रनिंग ओनली व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड ऑल दिस स्टफ यार मतलब इतना एनर्जेटिक फॉर अ सीन आई एम टेलिंग यू क्यों मतलब फॉर इवन बन्नी चौक का फर्स्ट सीन भी मैंने ऐसे ही देखा था वो समथिंग वाज दैट ओनली रोड से भाग रहे थे आप हर हर किरदार पर शायद हूं आई मीन दैट सूट्स मी एंड यहां पे सी व्हाटएवर यू लव Yeah. आप उसके लिए भागते हो उसके लिए मशक्कत करते हो यू मेक एंड्स मीट एंड हियर जान ने लव्स कियान और कियान के सपने को पूरे करने के लिए उसको अगर किसी के कार के एसयूवी पे जंप भी करना पड़ेगा ना वो भी करेगी ओके फाइनली उल्का एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस जो इतना सारा प्यार देती हुई आई है हमेशा यू नो टू ऑल माय ऑडियंसेस आई होप आपको हमारा ये नया शो अच्छा लगे एंड प्लीज मेरे लिए हम सब मेरे लिए शो जरूर देखिएगा और आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा ये बहुत ही इमोशनल जर्नी है तो जानवी और कियान और आर्यमन के साथ रहिएगा